हेलो दोस्तों, माय न्यूट्रिश यूट्यूब चैनल पर आपको फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ विंडोज़ कंप्यूटर के एक बहुत ही कमाल के ट्रिक शेयर करने वाले हैं, साथ ही बहुत ही यूज़फुल एक सॉफ्टवेयर भी शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इंटरनेट यूज करते हैं और आप चाहते हैं कि अपने डेस्कटॉप से ही आप अपने इंटरनेट स्पीड को चेक करेंगे, हमेशा देखते रहेंगे कि आप कितना GB यूज किया है, आपको कितना GB स्पीड मिल रहा है, ठीक है, अगर आप ये सब कुछ अपने डेस्कटॉप से ही चेक करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को देखकर आप बहुत आसान तरीके से ये कर सकते हैं। फिलहाल अभी मेरे टैक्स बार के ऊपर आप देख सकते हैं जो मेरा इंटरनेट स्पीड का है दोस्तों, वो शो हो रहा है। फिलहाल तो मैं कोई इंटरनेट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इधर 00 शो हो रहा है। जब भी मैं अपने इंटरनेट में कुछ भी काम करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली दोस्तों स्पीड बूस्ट होना शुरू हो जाएगा, और रिसीव सेंड टोटल कितना GB यूज हो रहा है सब कुछ दोस्तों मंथली रिपोर्ट मुझे ये दे देगा। तो ये बहुत ही कमाल के एक दोस्तों सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ड्यू मीटर। तो अगर आप इसके बारे में पहले से जानते थे तो आप इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके बारे में नहीं जानते थे और आपको अभी अपने कंप्यूटर में इसको सेट करना है और अपना इंटरनेट स्पीड को हमेशा चेक करना है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे लाइक बटन दिया हुआ है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर भी कर दीजिए, और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आगे और पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस जो इंटरनेट स्पीड चेक करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है ड्यू मीटर। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली इंटरनेट पर या फिर गूगल पर जाकर सर्च करना है ड्यू मीटर, तो ये आपको मिल जाएगा। तो इधर से आपको बहुत सारा जो ऑप्शन मिलेगा, इनमें से किसी भी एक पर क्लिक करके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि ये एक वेबसाइट है, इधर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, आप इसको फ्री में 30 दिन तक ही यूज कर सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा यूज करना है तो आपको क्रैक वगैरह यूज करना है या फिर इसको बाय कर लेना होगा। इसका प्राइस जो इंडियन प्राइस लगभग 1000 रुपीज़ का आता है। तो अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो आप इसको बाय भी कर सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट से सर्च करके इसको क्रैक वगैरह भी कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उधर से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये फ्री में ही चाहिए तो आप गेट इन टू पीसी में जाकर ये जो है दोस्तों ड्यू मीटर 7.30 फ्री डाउनलोड, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एकदम नीचे आएंगे तो आपको एक डाउनलोड बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, इस पर क्लिक करके आप चेक कर लीजिएगा कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं फ्री में। तो चलिए, हमने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है हमारा पीसी में, तो हम इसको सिंपली इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा सॉफ्टवेयर है, इधर मेरा जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल फाइल है ड्यू मीटर। तो मैं सिंपली इस पर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद एक यस बटन करना है मुझे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, हम इधर से लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल की तरह ही है। अभी आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट, उसके बाद फिर से नेक्स्ट, उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा। ये थोड़ा प्रोसेस इंस्टॉल का प्रोसेस चलेगा, तो जब तक नहीं इंस्टॉल होगा तब तक आपको वेट करना ही है। और मैं एक बात बताता हूँ दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर 30 दिन के लिए ही आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा टाइम के यूज करना है तो आप इसको क्रैक करके यूज कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर दोस्तों कमाल के हैं और इंटरनेट पर सबसे बेस्ट एक सॉफ्टवेयर है, खास करके अगर आप विंडोज 10 यूज करते हैं तो। तो दोस्तों, ये इंस्टॉल जब हो जाएगा तब आपको सिंपली फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। फिनिश बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने क्या होगा, एक जो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो जब तक ना ये सॉफ्टवेयर ओपन होता है, जैसे कि आपके सामने जब सॉफ्टवेयर ओपन होगा इस तरह आ जाएगा। इस तरह आने के बाद आपको डोंट शो दिस बटन पर चेक मार्क करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर से नेक्स्ट, उसके बाद इधर आप क्या कर सकते हैं, जो स्पीड का लिमिट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा है, अभी इसको रख कर आपको सिंपली नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको इधर कुछ नहीं करना है, सिंपली स्किप बटन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद सिंपली फिनिश बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इधर बोल रहा है डू यू वांट टू ड्यू मीटर टूल बार ऑन योर टैस्क बार। अगर आप मेरे तरह ऊपर भी देखना चाहते हैं हमेशा अपना इंटरनेट स्पीड, तो आपको येस कर देना है। येस करते ही आप देखेंगे कि ऊपर आपका जो ड्यू मीटर का जो है दोस्तों मीटर चालू हो जाएगा, और इंटरनेट का स्पीड अप डाउन कितना दोस्तों जो है डाउनलोड स्पीड, कितना अपलोड स्पीड, वो आपको इधर दिख जाएगा। साथ ही नीचे भी आपको एक दोस्तों ग्राफ देखने को मिलेगा जिसको आप किसी भी जगह सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये सही में दोस्तों कमाल के एक सॉफ्टवेयर है, खास करके अगर आप अपने डेस्कटॉप से ही अपने इंटरनेट स्पीड अपलोड डाउनलोड स्पीड चेक करना चाहते हैं तो।
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सॉफ्टवेयर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।